चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। पूरा देश चंद्रयान के सफल लैंडिंग का जश्न मना रहा है। ये जश्न कटिहार के एक गांव के लिए खास है और इसकी वजह है बारसोई प्रखंड के छोगरा गांव के रहने वाले शब्बीर आलम। शब्बीर वैज्ञानिक के रूप में उस टीम का हिस्सा है जिसने चंद्रयान को चांद पर पहुंचाया। इस सफलता के बाद शब्बीर के घर जश्न का माहौल है। शब्बीर आलम के पिता हारून रशीद पेशे से रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। उन्होंने बताया कि 2014 में IIT कंप्लीट करने के बाद बेटे शब्बीर ने इसरो में ही IST का प्रशिक्षण प्राप्त किया। 2014 से 2018 तक उनका प्रशिक्षण जारी रहा। मैं भी काफ़ी गौरवान्वित हूँ और मुझे अपने बेटे पर, अपने देश के लोगों पर, देश के समस्त इसरो जैसे संस्थान पर काफ़ी गर्व है कि आज मेरा बेटा इस इलाके का नाम एक सुदूर देहात में रह करके एक कम उम्र में एक इसरो जैसे संस्थान में जाकर आज देश का नाम रोशन किया है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। ये जर्नी कब स्टार्ट हुआ था आपका लड़का का? क्या किसमें इसरो में जाने का उसका इच्छा कब जागी हुआ था कि मुझे इसरो में? इसरो तो वो प्रशिक्षण जिस समय वो IIT के एग्ज़ाम दिए, IIT के बाद ही उनका ख्याल हुआ कि हम इसरो में ही जाएंगे। इसरो में ही IIST में ही वो 4 साल प्रशिक्षण प्राप्त किए। कब से कब? 2014 से 2018 तक वो इसरो में ही अपना प्रशिक्षण प्राप्त किए और अच्छा रैंक से भी सफल हुए। टॉप 20 में ही उनका नाम था और उनका चॉइस के मुताबिक वो जो है BSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में ही अपना पोस्टिंग लेना पसंद किया और वहीं पर उस योगदान में हम लोग भी थे। वहाँ पर हम लोग मौजूद थे, मम्मी पापा हम लोग गए थे। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद अपने पिता से बात करते हुए शब्बीर ने कहा कि ये पूरे देश के लिए बड़ी उपलब्धि है और उन लोगों ने देश के लिए एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। पिता मोहम्मद हारून रशीद कहते हैं कि वो बेटे और देश की इस उपलब्धि पर बेहद खुश हैं। यानी देश की इतनी बड़ी सफलता में एक छोटा सा हिस्सा बिहार का भी है और सूबे के लिए ये बेहद गौरव की बात है।